नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे 2022 के लिए नास्त्रेदमस ने क्या भविष्यवाणियां की हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। नास्त्रेदमस एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे और जिन्होंने हिटलर का शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 का हमला, फ्रांस संक्रांति, परमाणु हथियार की विकास जैसी सच्ची घटनाओं का वर्णन है। और ऐसा माना जाता है कि नास्त्रेदमस ने 2022 में कोरोना की शुरुआत की भविष्यवाणी भी की थी। इसके साथ दुनिया के महान भविष्यवेत्ता थे। नास्त्रेदमस ने 2022 के लिए कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणियां की हैं। फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर नास्त्रेदमस की 6,338 भविष्यवाणियां बताई गई हैं। और दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में हिटलर का शासन, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं आदि, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इनकी 70% जो भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। नास्त्रेदमस का निधन जो हुआ था 2 जुलाई 1566 में हुआ था, लेकिन उनकी जो भविष्यवाणियां हैं आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं 2022 के लिए। तो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में 2022 में दुनिया की बेहद प्रभावशाली और ताकतवर शख्स की जो है अंदेशा हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, इस प्रकार का उनने अंदेशा जताया है। सेंचुरिया की जो 14वीं चौपाई है उसमें उनने लिखा है, एक ताकतवर शख्स की अचानक मौत से बदलाव आएगा और वो देश में नया चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। तो ऐसा जो है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में अलग अलग ढंग से जो है व्याख्या की गई है। कई बार ये सटीक साबित होती हैं और कई बार ये गलत भी हो जाती हैं। अब आगे देखेंगे विनाशकारी भूकंप के बारे में। सेंचुरिया की जो तृतीय चौपाई है उसमें बताया गया है कि इस साल जापान में एक विनाशकारी भूकंप आने की जो है भविष्यवाणी की गई है। और भविष्यवाणी के अनुसार यदि भूकंप दिन के बीच में आता है तो इससे भयानक क्षति और मृत्यु होगी। और 7 अक्टूबर को 5.9 की तीव्रता वाले एक भूकंप के जो है विशाल काटो क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। हालांकि इससे नुकसान कम हुआ था, लेकिन जापान की राजधानी में 11 मार्च 2011 को तेहुका के क्षेत्र में तबाही वाला भूकंप और उसके जोरदार झटके देखे गए थे। अब देखते हैं यूरोप में युद्ध की जो है कुछ व्याख्या की गई है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में एक सीधे पेरिस से संबंध है और भविष्यवाणी की व्याख्या के मुताबिक यूरोप में युद्ध जैसा माहौल होगा। इस साल फ्रांस की राजधानी में कोविड प्रतिबंधों को लेकर हुए दंगों के अराजक दृश्य पहले ही देखे जा चुके हैं। और साल 2015 भी ISI के आतंकी हमले में 130 लोग मारे गए थे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में सबसे बड़ा हमला था। इसके साथ प्रवासियों का संकट, प्रवासियों का जो संकट है, नास्त्रेदमस लिखते हैं, खून और भूख की बड़ी आपदा होगी। यहाँ 7 बार समुद्र तट और भूख और कैद करने की बात लिखी गई है। इसका मतलब यह है कि विश्व में युद्ध, सशस्त्र संघर्ष इंसानों की भूख जो है बढ़ा सकती है। इससे प्रवासियों का संकट गहरा सकता है और जिन्हें जो है सामान्यतः 7 गुना अधिक प्रवासी जो है यूरोप के तटों पर पहुंचेंगे, ताकि यूके और यूरोप में प्रवासी संकट पहले ही एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब हम देखते हैं यूरोपियन संघन का जो है संघों का पतन। तो कुछ लोगों को लगता है कि नास्त्रेदमस ने यूरोपीय संघ के पतन की भी भविष्यवाणी की है, जो कि 2016 में ब्रिटेन द्वारा ब्रेक्सिट को वोट देने के बाद से संकट की स्थिति है। और नास्त्रेदमस के मुताबिक ब्रेक्सिट सिर्फ एक शुरुआत थी, 2022 में पूरे यूरोपियन संघ का पतन होना तय है। अब नास्त्रेदमस आगे क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि धूमकेतु के बारे में उन्होंने खास भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी 2021 में की थी कि भविष्य में जो है धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा और आसमान से आग गिरती दिखेगी।
लेकिन दो इसके और इस साल पृथ्वी 2021 में GW4 धूमकेतु से टकराने से बची है। हालांकि नासा इसे बड़ी चिंता का विषय नहीं मानता। भविष्य की और आगे हम देखते हैं कि भविष्य में जो है रोबोट के बारे में भी नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणियां की हैं। तो 2022 में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विकास का उल्लेख मिला था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI टेक्नोलॉजी का हर एडवांस लेवल पर जा सकती है। और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर करने वाले कुछ लोग कहना है कि आने वाले वर्ष में मानव जाति जो है पर रोबोटों का कब्जा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से निश्चात भविष्यवाणियाँ जो है नास्त्रेदमस ने अपनी जो है भविष्यवाणियों में की है, अपनी किताब में की है, जिसको कि मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।